आशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का एपिसोड है हाउ टू अप्लाई फेक आईलैशेस फॉर बिगिनर। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि फेक आईलैशेस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्पेशली फॉर बिगिनर, जिनको फेक आईलैशेस अप्लाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ता है। ये वीडियो बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड था, क्योंकि मैं आप चाहते थे कि मैं मेरे तरीक़ों से, मेरे छोटे मोटे, मेरे ईजी वीजी टिप्स से आपको बताऊँ कि फेक आईलैशेस कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं फेक आईलैश बहुत कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है जो मैं दिमाग में रख के मैं फेक आईलैशेस अप्लाई करती हूँ, जिससे मुझे डिफ़िकल्टी नहीं होती है अप्लाई। तो विदाउट एनी फर्दर डू वीडियो में चलते हैं। सो उससे पहले, अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बड़ा सा लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो और उसके नीचे सब्सक्राइब के नीचे एक बेल बटन होगा, उसे भी टंग करके बजा दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक बिना बाधा और रुकावट के ईजिली आपके घरों तक सही सलामत पहुँच पाए। तो चले गए, इस वीडियो में चलते हैं फेक आईलैशेस हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए, तो ये फेक आईलैशेस जो ये वाला है मेरे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। ये वाला को इग्नोर कर दो, तो हम ये वाला फेक आईलैशेस यूज़ करेंगे आज, जिसको मैंने आड़ा टेढ़ा चिपकाया हुआ रखा हुआ है। तो ये वाला फेक आईलैशेस जो मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड उसके बाद उसके लिए हमें चाहिए एक टीज़र, जिससे हम हमारे आईलैशेस को प्लेस करेंगे, एक टीज़र। एंड उसके बाद हमें चाहिए फेक आईलैशेस जो अप्लाई करते हैं उसका हमें ग्लू चाहिए। ये ट्रांसपेरेंट वाला है, तो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, ये सबसे फर्स्ट वाला टिप होती है, मैं मेरे आईलैशेस को कर्ल करती हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरे आईलैशेस को मैं कर्ल करूँगी। ये है कि हम आईलैशेस का मेजरमेंट देखेंगे। अगर आप न्यू आईलैशेस लेते हो, ये ऑलरेडी कट है, बट अगर आप न्यू आईलैशेस लेते हो तो आप इसका मेजरमेंट देखना पड़ेगा आपको। यही आपका फर्स्ट टिप है कि चेक करें कि आपके आई में फिट हो रही है कि नहीं। अगर आपके आई से थोड़ा बाहर जा रहा है, आपको एक साइड बस उसको कट करके लेना है बस। तो मेरा ऑलरेडी फिट है, तो मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे अभी कट करने की ज़रूरत नहीं, अब मैं क्या करूँगी, ग्लू लूँगी। तो मैं जो फेक आईलैशेस के लिए ये ग्लू मिलता है सेपरेट, वो लूँगी। बहुत सारे बिगिनर ये करते हैं कि डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, बट आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। डायरेक्टली ऐसे डायरेक्ट आप ग्लू अप्लाई करने से क्या होगा कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लू गिर जाता है। तो बेस्ट आइडिया ये है कि आपको ग्लू आपके बैक ऑफ योर हैंड्स लेना है, जैसे मैं ले रही हूँ। तो मैं बैक ऑफ माई हैंड्स लूँगी थोड़ा सा ग्लू। इतना ही लेना है। देन आपको क्या करना है, ये टीज़र का ये कॉर्नर है ना, बस उसको थोड़ा सा आपको लेना है ऐसे। इसको आप बनाएंगे ग्लू चिपकाने वाला, ये हम थोड़ा सा इसको लेंगे, थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर। बहुत ही लाइट ग्लू ली हूँ मैं, बहुत कम ली हूँ। अब थोड़ा थोड़ा कर मैं इक्वली सारे जगह पर मेरे फेक आईलैशेस पे लेकर अच्छे से मैं इसको अप्लाई करूँगी सारे जगह पर। अच्छे से अप्लाई होने के बाद दोनों कॉर्नर में थोड़ा एक्स्ट्रा लगाऊंगी ताकि अच्छे से कॉर्नर पे चिपक जाए। जैसे ग्लू अप्लाई कर दिए, अभी हमें इसको कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको ड्राई होने देंगे, कुछ सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए इसको हम थोड़ा सूखने देंगे, ड्राई होने देंगे। उसके बाद हम आईलैशेस प्लेस करेंगे आईलैशेस पे। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको प्लेस नहीं करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ लोग कैसे करते हैं कि ऐसे करके ऐसे अप्लाई करते हैं, नीचे देखकर मिरर को यूज़ करते हुए ऐसे नीचे देख के हम ऐसे अप्लाई करते हैं। ऐसे अप्लाई नहीं करना, ऐसे अप्लाई करने से क्या होता है, हमारा आँख जो है वैसे ही नीचे ऐसे दिखता है, देन हमारे आँख के ऊपर एक वेट बन जाता है। तो हमेशा आप जब आईलैशेस, फेक आईलैशेस अप्लाई करोगे, आपको आपके चिन को अप में रखना है, आपके चिन को आपको अप में रखना है, फिर आपको अप्लाई करना है। चिन को अप में रखने से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और आप जब ऐसे अप्लाई करोगे तो आपको ऐसा उल्टा अप्लाई करना है, सीधा नहीं अप्लाई करना, सीधा अप्लाई करोगे तो चिपकेगा, आपको उल्टा अप्लाई करेगा तो परफेक्टली वो बैठेगा आपके आँखों पे। आप देख सकते हो मैं इजीली, देन आप देखोगे तो ऐसे स्टिक हो जाएगा। देन आपको इस टीज़र से आपको इसको थोड़ा सा पुश करना है, इस साइड में भी चिपकाना है इसको। ओके, देखो इट गॉट स्टिक।
ऐसे मैं अप्लाई करती हूँ। आप कंटिन्यूसली आप इस पर वर्क करने से आपका फेक आईलैशेस जो आप अप्लाई करते हो वो भी आपको मेरे तरीके से बहुत ही इजीली लगेगा। जैसे मैं अप्लाई करती हूँ वैसे इजीली आप भी अप्लाई कर सकते हो इन टिप्स को। आप इन टिप्स को ध्यान में रखते हो आप फेक आईलैशेस अप्लाई करोगे तो आपका फेक आईलैशेस अप्लाई करना आपके लिए ईजी हो जाएगा और आप बिगिनर नहीं रहोगे फेक आईलैशेस अप्लाई करने में। आपको उस फेक आईलैशेस अप्लाई करना बहुत ही ईजी लगेगा और सिंपल लगेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा जैसा मैंने अप्लाई किया है। तो यही था गाइज मेरा फेक आईलैशेस अप्लाई करने का तरीका, एक इजी सा तरीका और बिगिनर के लिए हर एक छोटे छोटे टिप्स बताकर। सो आई होप गाइज आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मीट इन माय नेक्स्ट एपिसोड गाइस, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।